सपना है एक्स फैक्टर में आने के बाद क्या होगा? प्लेटफॉर्म, रिकॉग्निशन। सो गाइए और हमको रिझाइए। असफलता से बहुत लोग डर जाते हैं, खाली खाली रातों से होने लगी, फिर अपना मंजिल छोड़ देते हैं। मैं कहूंगा सत्य वचन की घड़ी में मेरी तरफ से ना है। असफलता से लड़कर जीतना कोई जुबिन नौटियाल से सीखे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जुबिन नौटियाल के बारे में। आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 2011 में जब वो 22 इयर्स के थे और अब लगभग 34 इयर्स के हो जाएंगे, इसके बीच हर साल के उनके आवाज सुनाएंगे। सबसे पहले 2011 में जब उनका एज 22 इयर्स था तो पहली बार एक्स फैक्टर में टीवी पर नजर आए थे। हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ। हालांकि यहाँ से वो रिजेक्ट हो गए थे और कड़ी मेहनत किए। स्टोरी है एक रियलिटी शो एक्स फैक्टर की, जिसका मैं पार्ट बनने गया था जब मैं जुबिन नौटियाल नहीं बना लंबी लाइनों में लग करके और फुल स्ट्रगल करके मैं, जैसे होता है एक रियलिटी शो में, मुझे नहीं पता था रियलिटी शो क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है। तो मैं गया रियलिटी शो अटेंड करने। मैंने फर्स्ट राउंड में गाया, बहुत गंदा गाया पूरे दिन लाइनों में लंबे खड़े हो के थक गया था बहुत ज्यादा और नर्वस हो गया था और ऐसा लगा कि मतलब यू नो इतना, इट वॉज माई फर्स्ट रियलिटी शो। सो आई वेंट देयर एंड मैंने गाया गाना और बहुत पसंद आया। श्रेया जी को बहुत पसंद आया और संजीव सर को बहुत पसंद आया। सोनू सर को कुछ चीजें सही नहीं लगी एंड वो सही थे अपनी जगह। तो मैं सिलेक्ट हो गया उस शो में। थोड़ा सा सेकंड राउंड में किसी वजह से आगे नहीं जा पाया और आई गॉट अनवेल बेसिकली। सो इट वॉज, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था ये मेरी लाइफ की एक लौती अपॉर्चुनिटी है, मुझे सिंगर बनना है और सिंगर बनने के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खराब हो गई क्योंकि मेरा गला खराब हो गया एन वक्त। तो मैं बहुत उदास हो गया एंड जैसे कि फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ा राउंड में। मैं चाहता तो वहां पर छोड़ सकता था होप्स। मैं एक नेशनल लेवल शूटर हूँ, मैं मिक्स मार्शल आर्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे हमेशा कुछ भी और करने के। आई वुड हैव मेड इनफ मनी, आई वुड हैव सेटल्ड अ वेरी गुड लाइफ फॉर माई सेल्फ। बट जिसे कहते ना कि एक एटीट्यूड होना चाहिए स्प्रिंग की तरह, कि तुम जितना नीचे दबाओगे मैं उतनी ऊपर छलांग लगाऊंगा, वो एटीट्यूड स्ट्राइक इन करा और एक तरह से ऐसा लगा कि इट्स टाइम टू डू इट। एंड ऑनेस्टली उसके बाद मेरी एक्चुअल जो पैशनेट जर्नी म्यूजिक को लेके वो शुरू हुई। उससे पहले म्यूजिक वॉज जस्ट समथिंग जिसके साथ मैं ग्रो अप कर रहा था, पर उस मोमेंट के बाद आई हैड मेड अप माय माइंड कि अभी तो करना ही पड़ेगा, आई कांट गेट आउट। फिर 2014 में उन्हें पहला बॉलीवुड सॉन्ग मिला। एक मुलाकात हो जीने की वजह तुम बनो, तुम बनो ये सुनाते हैं जब एज उनका 26 इयर्स था। तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे, आइए सुनाते हैं 2016 के वो प्यारा सा सॉन्ग। ना जाने क्या है तुमसे वास्ता, ले चला दिल कहां, ढल जाऊं तुझ में। आइए सुनाते हैं जब एज उनका 28 इयर्स हो गया। पर दिखा सच तो कह रहा बस यही,
मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, किसी को प्यार हो जाए। एक हो गए हम और तुम, हम। आइए सुनाते हैं 2018 के वो सुपर हिट सॉन्ग। गजब का दिन सोचो जरा, ये दीवानापन देखो जरा, किसी और से ना वो कहना, तुम मेरे हो मेरे रहना। बावला हूँ तेरा तू जान है ना मेरी, बस प्यार ही है मांगा, किस बात की है देरी। आइए सुनाते हैं जब एज उनका 30 ईयर क्रॉस कर गया। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम, तेरे जाने का गम और नाने का गम, फिर जमाने का गम क्या करें। आइए सुनाते हैं 2020 के वो सुपर डुपर हिट सॉन्ग। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। आइए सुनाते हैं जब एज उनका 32 ईयर क्रॉस कर गया। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, के रात लंबे आ लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ संगे आ रे, आंख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। चलिए सुनते हैं 2022 के वो सुपर हिट सॉन्ग। आए मेरी आंखें रात को बात करूं, ये तेरी ओ आसमान वाले जमीन पर। आइए सुनाते हैं उनका लेटेस्ट सॉन्ग। तो दोस्तों ये था जुबिन नौटियाल का संगीत सफर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।